हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में लर्न करते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन मींस जब पेशेंट की बॉडी में हाइड्रेशन मींस पानी की कमी हो जाती है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डी मींस डिक्रीज्ड, हाइड्रेशन मींस वाटर लेवल इन द बॉडी। तो दिस इज़ डिक्रीज्ड वाटर लेवल और डिक्रीज्ड फ्लूइड लेवल इन द बॉडी, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हो सकता है? सीवियर डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, सीवियर वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, सीवियर हाइपोवोलीमिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, हीट स्ट्रोक की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, हीट एग्जॉस्टन की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, सर्जरी के बाद डिहाइड्रेशन हो सकती है, जो सर्टेन मेडिकेशंस हैं उसके बाद डिहाइड्रेशन हो सकती है, जहाँ कुछ बॉडी डिजीज़ कंडीशंस हैं उसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके? एक्सट्रीम थ्रस्ट, मतलब पेशेंट को या पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ड्राई माउथ, मतलब उसका माउथ जो है, ओरल कैविटी जो है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। देन स्वोलन टंग, जो टंग है पेशेंट की वो सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है टंग की। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि पेशेंट को यूरिन बार बार आता है लेकिन थोड़ी मात्रा में आता है, उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा होता है। देन हेडेक, तो डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को हेडेक होती है। देन फैटीग हो जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। देन बैड ब्रेथ, सांस में से गंदी स्मेल आती है, मतलब पेशेंट जब सांस लेता है तो उसकी जो स्मेल है वो बैड ब्रेथ होएगी। देन डिजीनेस, पेशेंट को चक्कर आते हैं और कई बार नौजिया भी होता है। देन पेल्पिटेशंस, हार्ट की जो बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है और पेल्पिटेशंस होती हैं हार्ट में। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।